सबसे पहले टॉप 7 ट्रेंडिंग वीडियोस देखिए। सोपोल में मोहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। बिहार के सुपौल में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर झंडा लहराने वालों की तलाश में जुट गई है। जुलूस के दौरान फिलिस्तीन समर्थित नारे भी लगाए गए। स्थानीय लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाने पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि जुलूस के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी वहां मौजूद थी, इसके बावजूद फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। उत्तराखंड के रुड़की में एक मां ने अपने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। मां का बच्चे की पिटाई करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में एक महिला अपने 12 साल के बच्चे को बुरी तरह से पीटती हुई दिखाई दे रही है। महिला न सिर्फ उसे बुरी तरह से मारती है बल्कि उसकी छाती पर बैठकर उसके सिर को जमीन पर भी पटकती नजर आई। वीडियो में मां की मार से बेहाल बच्चा बार बार पानी मांगता है लेकिन महिला पानी देने की बजाय उसे और पीटने लगती है। गुजरात के सूरत में ट्रक ने बस और कार को टक्कर मार दी। घटना इच्छापुर के पास हुई, जहां रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने पहले बस को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से बस घूमकर डिवाइडर पर चढ़ गई और सामने से आ रही कार से टकरा गई। मौके पर मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 से भुवनेश्वर जाने के लिए आए एक बुजुर्ग को अचानक हार्ट अटैक आ गया। तभी एयरपोर्ट पर मेदांता अस्पताल की तैनात एक महिला डॉक्टर ने CPR देकर उसकी जान बचा ली। इस पूरे वाक्य का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों ने डॉक्टर की खूब तारीफ की। दरअसल 60 साल के बुजुर्ग यात्री भुवनेश्वर जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आए थे। बुजुर्ग यात्री फ्लाइट बोर्ड करने से पहले फूड कोर्ट में बैठे थे, तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो बेहोश हो गए, लेकिन डॉक्टर ने CPR देकर उनकी जान बचा ली। भारतीय नौसेना ने एक समुद्री ऑपरेशन में 9 लोगों की जान बचाई है। प्रेस्टीज फॉल्कन नाम का व्यावसायिक जहाज 15 जुलाई को ओमान के दक्षिण पूर्व में लगभग 25 समुद्री मील की दूरी पर पलट गया था। इस हादसे में सवार करीब 16 चालक दल के सदस्य लापता हो गए थे, जिनमें 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई थे। भारतीय नौसेना के मिशन में तैनात युद्धपोत INS तेग ने इनमें से 9 चालक सदस्यों को बचा लिया। इनमें 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। नितिन गडकरी ने करीब 4 बजे श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के अधिकारियों ने नितिन गडकरी का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मंदिर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, तिरुपति के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर के दर्शन कर धन्य हो गया। यूपी के कन्नौज में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक छज्जा गिर गया, जिसके मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। दरअसल कन्नौज के सकरावा में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस में भारी भीड़ थी, तभी एक मकान का छज्जा भरभराकर गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ताजिया यात्रा के बीच अचानक छज्जा गिरा। छज्जे पर खड़े होकर लोग ताजिया का जुलूस देख रहे थे। हादसे में छज्जे के साथ लोग नीचे आ गिरे और मौके पर भगदड़ मच गई।